डेरा के प्रेमियों को बिना वजह से फंसाया गया और डेरा के नाम दंगे थोपे गए, बल्कि जो हरियाणा के सीएम है उन्होंने स्पेशली अपने इंटरव्यू में कहा था कि डेरा के प्रेमियों के पास ना तो कोई हथियार मिले हैं और ना कोई ऐसा सर मतलब एक नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बारे में, आखिर क्या मानना है लोगों का, जानते हैं यहाँ पे जुड़े हुए लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर? मेरा नाम रामजीत है। सर क्या करते हो आप? मैं वैसे तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। जी जी सर, डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? डेरा सच्चा सौदा से तो मैं बिरसे से जुड़ा हूँ। मेरे से पहले मेरे पिताजी जुड़े हुए थे सर, 75 की बात है। उसके बाद जब से मेरी सुर संभली है मैं डेरे से ही आता हूँ। सर आप कहते हो कि मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूँ इतने लंबे समय से, सर जो भी मीडिया में चैनलों में दिखाया गया, क्या मानना है आपका? आखिर यहाँ पे आप आते जाते रहो, कैसा माहौल देखा है? मैडम जैसे अपने घर में भी इतनी सेफ्टी नहीं होती जितनी डेरा सच्चा सौदा में होती है। अब जैसे आप मेरे पास बैठे हो, आप मेरी बहन के समान हो। जी घर में तो बंदा ये कहता था आप मेरी बहन के समान हो, जहाँ डेरा सच्चा सौदा में रियल में ये देखने भी को भी और फॉलो करने के भी और प्रैक्टिकल तौर पे भी चीज़ें मिलती है आपको, जो ये चीज़ें मीडिया में बैठकर फैलाई जा रही हैं। मैं तो उन लोगों से ये एक रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ, आप एक बार डेरा सच्चा सौदा में ज़रूर आइए। आएगी, आने के बाद आपको चाय देखने को मिलेगी, उसके बाद आप जो रिपोर्टिंग करनी है वो कीजिए। सर जो भी महिलाएं डेरा सच्चा सौदा आती हैं, क्या लगता है सुरक्षित हैं वो? बिल्कुल सुरक्षित है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ इतनी गर्मी भी सेफ्टी नहीं होती जितनी डेरा सच्चा सौदा में होती है। ये ऐसा रूहानियत का कॉलेज है जहाँ रिश्तों के असली मायने जहाँ सिखाए जाते हैं। सर जैसा कि समाज में आज गुरुजी नहीं है, तो लग रहा है आपको कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पे? बिल्कुल क्यों नहीं पड़ रहे मैडम, अगर वो होते आज के समय में और जो समाज है ये अच्छे तरीके से और हैंडल होते, जैसे हमारे पहले कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और गुरुजी वहाँ रहते हुए शासन को सुझाव दे रहे हैं, समाज को सुझाव दे रहे हैं, अगर गुरुजी जहाँ होते तो इस बीमारी से और अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता और समाज को और अच्छे पढ़ाते जाया जा सकता। सर आप कहते हो कि गुरुजी के यहाँ माहौल इतना अच्छा है, मगर फिर आरोप क्यों लगाया गया आखिर संत जी पे? एक चीज़ होती है, चाय को रोकने के लिए लाखों जत्न हुए हैं। भगवान राम हुए, उन्होंने भी 14 साल का वनवास काटा। जी क्या उन्होंने क्या गलत किया था? गुरु नानक देव जी है, उनको भी लोगों ने बट्टे मारे। गुरुवर्धन देव जी है, उनको भी तत्ती तवी पे बिठाया गया। जी और गुरु गोविंद सिंह को तो सारा परिवार बांधना पड़ा। जी जी सर, किसके लिए? सच्चाई के लिए। आप समाज में कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ करते हैं उसको दबाने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, चाहिए और जो बुराई है वो साथ साथ चलती है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, इतिहास में गवाह रहा है कि संतों पे एलिगेशंस लगाए गए। सर मानवता भलाई के लिए क्या गुरुजी ने योगदान रहा दिया? आप देखो जो 33 मानवता भलाई कर डेरा द्वारा चलाया गया है, जिसमें गरीब बेटियों को शादी करना, उनके मकान बना के देना, खूनदान करना, पूरा शरीर दान करना, जिसको आंखें नहीं उसको आंखें देना, कोई आर्थिक तौर पे कमजोर है उसको राशन से सहायता करना, जैसे समाज में जिस बंदे को जैसे भी हेल्प की जरूरत है वो डेरा सच्चा सौदा द्वारा और साथ संघ द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है हर समय। आज गुरुजी नहीं है फिर भी गुरुजी के सिद्धांतों पे चलते, उनकी शिक्षा में चलते हुए सेवादार दिन रात मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। सर आप कहते हो कि इतने ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य करें, मगर जो जनता का सवाल ये है कि फिर वो नामो निशान क्यों नहीं है, आखिर उनका क्यों नहीं दिखाए जाते? ऐसा है कि ये कलयुग का दौर है, इसको कलयुग में हमेशा सच को दबाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बादलों के आने से कभी सूरज ना छुपा है ना छुपेगा, वो सच का सूरज था है हमेशा रहेगा और एक दिन जरूर अपनी और ज़्यादा तब से बाहर समाज में निकलेगा। बिल्कुल सर। सर वैश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियां हैं, गुरुजी ने उनको मुख्य धारा से किस तरीके से जोड़ा है? जी देखो आपने इतिहास में सुना होगा, इतिहास में एक गण का वैश्य जी जी उसको महापुरुषों ने धारा था और पूजा गुरुजी ने हजूर पिताजी ने कम से कम 16-17 के करीब उन बेटियों की शादी करके उनके माता पिता की जगह अपना नाम देके उनकी शादी की है और उनको एक जैसे स्वस्थ समाज में रहने के लिए प्रेरणा दी है और वो जो जितनी शादी की हैं वो अच्छे परिवारों में की है और वो अपना पूरा घर परिवार चला रही हैं। सर बिल्कुल उनको माँ बहन बेटी का एक दर्जा दिया गया, सम्मान भरी जिंदगी दी दिया गया जी। तो सर ये मतलब एक तो गण का वैश्य जो भगत बनी थी, गुरुओं ने बनाया था, भगवान हमारे पीर फकीरों ने बनाया था, तो सर उनका नाम इतिहास में इतना बड़ा माना गया, फिर आखिर गुरु जी का संत जी का क्यों नहीं लिया जाता? पता क्या जी, हिस्ट्री में वो एक थी,
अब 16-17 है जी। अब तब बुराई कम थी, आज जैसे जैसे अच्छाई बढ़ रही है तो बुराई का दौर भी बढ़ रहा है जी, जी। पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, अब सोशल मीडिया है। गुरु जी खिलाफ सच्चाई के लिए एक बात को प्रोत्साहित किए हैं और बुराई के लिए हजारों मतलब। सर पंचकुला कांड के बारे में जानते हो क्या कुछ हुआ? बिल्कुल जानते हैं, जिसमें डेरा के प्रेमियों को बिना वजह से फंसाया गया और डेरा के नाम दंगे थोपे गए। बल्कि जो हरियाणा के सीएम है उन्होंने स्पेशली अपने इंटरव्यू में कहा था जी जी। कि डेरा के प्रेमियों के पास ना तो कोई हथियार मिले हैं और ना कोई ऐसा सर मतलब एक हुआ है जिससे उन पे रोक थोपे जाए। हाँ जरूर उनसे लाठियां मिली हैं, वो भी उन्होंने पेड़ों से तोड़ी सी, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। एक चीज जहाँ और भी नोट्स करने वाली है, आप देखो इसमें कोई सरकार का या पुलिस प्रशासन का कोई भी बंदा मरा नहीं है और जो शहीद हुए हैं वो डेरा प्रेमी हुए हैं। अगर उनके पास होता तो पुलिस का क्यों कोई ना कोई बंदा जख्मी या मरता? मगर सर ये जो उसमें तस्वीरें दिखाई गई थी वो ये दिखाई गई थी कि सरकारी सामान का नुकसान हुआ है या बहुत सामानों का नुकसान हुआ है। तो देखो कोई नुकसान करने के लिए जरूरी तो नहीं है, भी प्रेमी उसमें गुंडा भी में हो सकते हैं, उन्होंने भी पूछा किया। हम कहते हैं नहीं उसका उसकी जाँच हो, जो दोषी उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।